अमिताभ बच्चन भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता में से एक है। उन्हें बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन कहा जाता है। सुपरस्टार ने बार बार अपने प्रदर्शन से दर्शकों को प्रभावित किया है और वह उद्योग में सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब चीजें अभिनेता से पक्ष में नहीं थी। 1992 में खुदा गवाह के बाद अमिताभ बच्चन ने अभियान से ब्रेक ले लिया था और 1997 में अपनी फिल्म मोतीदाता के साथ वापसी की है। फिल्म का निर्माण अमिताभ की प्रोडक्शन कंपनी FBCL द्वारा किया गया था और इसमें डिंपल कापड़िया, परेश रावल और करिश्मा कपूर जैसे सितारों ने अभियान किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल साबित हुई थी। फिल्म ने एक्शन हीरो के रूप में अमिताभ बच्चन की पिछली सफलता के दौरान का प्रयास किया था। हालांकि यह गंभीर और व्यावसायिक विफलता साबित हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म 17 करोड़ रुपये से ज़्यादा के भारी भरकम बजट में बनी थी, लेकिन सिर्फ 13 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई थी। यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई थी और इसे उनके करियर की सबसे खराब फिल्म का टैग दिया गया था। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने 1999 में वीर संगावी के साथ बातचीत में यह भी खुलासा किया था कि जया उनके काम की कड़ी आलोचना की थी और जब उनसे पूछा गया कि क्या वह उनकी फिल्में की स्क्रीनिंग में बैठती है तो अमिताभ ने खुलासा किया कि वह मोतीदाता के दौरान नहीं बैठी थी। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही है, लेकिन अमिताभ ने उनकी भूमिका के लिए 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। IMDb के अनुसार बाद में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि फिल्म में क्या गलत हुआ तो अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म को केवल टुकड़ों में देखा और पूरी फिल्म कभी नहीं देखी और उन्होंने इंडस्ट्री में जोरदार वापसी करने का मौका खो दिया, लेकिन अंततः बड़े मियां छोटे मियां और मजेदार साहब के साथ अपने करियर की पुनर्जीवित किया। अमिताभ बच्चन की आखिरी रिलीज गणपत थी, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर मोतीदाता से अधिक कमाई की थी। यह फिल्म जिसमें टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन भी थे दुनिया भर में 18 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने में सफल रही। जब सुपरस्टार सबसे महंगी भारतीय फिल्म कल्कि 2898 AD में अभियान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण भी है, दिशा पटनी और कमल हासन मुख्य भूमिका में है और इस साल सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है।